कभी भी आप विल में काम नहीं करेंगे, आप काम शुरू करना है। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करना है। और ठीक है, आप सर्च करो, कोशिश करो। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपने सोचा है क्या करेंगे? और मैं आपको ये बताऊं, स्टार्ट आज से ही करना है। क्या करना है? क्योंकि दिमाग को टुमोरो पसंद नहीं है। जैसे कल की तारीख पसंद नहीं है दिमाग को। दिमाग को क्या पसंद है? बस आज ये लेक्चर जो शुरू है, ये बातें जो हो रही है, इसके बाद शुरू कर देना है काम, तो दिमाग काम पे लग जाएगा। तो आप ने क्या सोचा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में? नेट के लिए क्या कोई कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? ऑप्शनल के लिए तो मैंने अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अभी मैं जस्ट स्किम कर रही हूँ सब्जेक्ट्स को। तो लेकिन हाँ, माइंड में दो सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो मैं अब इनमें डिसाइड करूंगी कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेंगी इनमें, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में। तो ऑन परफॉर्मेंस मैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं फाइनली आपको बता पाऊंगी कि ऑप्शन में क्या रखूंगी। लेकिन ज्यादातर अभी जितना भी मैंने प्रीवियस इंटरव्यू से सीखा, मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी, वो मेरे माइंड में था कि हाँ सोशियोलॉजी का सिलेबस शॉर्ट है ना, इट इजी कवर इन अ 6 month पीरियड। सो बट फिर साइकोलॉजी का थोड़ा वास्ट हो रहा है, तो मैं वो एनालिसिस करूंगी ऑन द बेस ऑफ माय परफॉर्मेंस। बिल्कुल। कुछ बात, हमारे साथ में हमारी स्टूडेंट है और सिमरन आगे पवार, सिमरन पवार है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। और सिमरन से खुद सिमरन का परिचय लेते हैं, फिर इनसे कुछ बात करते हैं। काफ़ी महत्वाकांक्षी है और देखते हैं ये क्या करना चाहती है। चलिए। हाँ, सिमरन, आई एम करंटली पर्सुइंग बैचलर इन आर्ट्स एंड माय सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। आपने हिस्ट्री लिया है, साइकोलॉजी लिया है और सोशियोलॉजी लिया है। सिमरन, आपने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई की है? yes, क्योंकि इंग्लिश अच्छी है आपकी, आपने कई परफॉर्मेंस भी दिया कॉलेज में इंग्लिश में, और आपके टोन भी तो एकदम इंग्लिश वाले निकलते हैं, अंग्रेजों की तरह। ठीक है, बहुत बेहतरीन। सिमरन, ये बताओ कि क्या सपना है, क्या करना चाहते हो? सर, करेंटली तो मेरा फोकस है कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूँगी। और प्लान भी हमेशा नेट ही है। नेट प्लान भी है और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। बहुत बेहतरीन। तो कब करेंगे ये गे वाला चीज, कब होगा? है में आएगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू लिसन द गे। ठीक है, जैसे विल में कोई भी चीज हम सुनना नहीं चाहते। आई विल हैव टू डू। सर, मैंने स्टार्ट कर लिया है, अभी मैं अपने फंडामेंटल्स बिल्ड कर रही हूं, क्योंकि मेरा पहले साइंस का बैकग्राउंड रहा है, मेरी पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रही है। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। तो मैंने स्विच किया है आर्ट स्ट्रीम में, तो अभी तो मैं बस अभी देख रही हूँ सब्जेक्ट्स क्या है, गो थ्रू कर रही हूँ कि स्किम कर रही हूँ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि क्या होगा। बेहतरीन। तो रिसर्च करके मुझे लगा कि हाँ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी मेरे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो मैंने तीन सब्जेक्ट्स। आपको ये मैं बता दूँ कि हमारे सामने से जितने विद्यार्थी सक्सेसफुल गुजरते हैं, और अगर मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूं, तो मैं खुद भी, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ 10+2 का, और सिर्फ एक ऐसे ही नहीं, टॉपर रहा हूँ 10+2 का। ठीक है, और कोई व्यक्ति हमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि बीए सोशियोलॉजी करूँगा ऑनर्स। ठीक है, और हमारी आलोचना नहीं करते थे। देखिए, कोई अच्छा स्टूडेंट अगर 10+2 छोड़ के, साइंस छोड़ करके आर्ट्स में जाता है, अच्छा स्टूडेंट, तो लोग पीछे पीछे में तो बात करते हैं, उसके सामने नहीं बोलते, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी टॉपर है तो कुछ सोच के कर रहा होगा। पर ऐसा ही था कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये लड़का तो बायोकेमिस्ट्री कर लेता, बायोटेक्नोलॉजी कर लेता, बहुत सारी चीज़ें। पर मैंने फिर साबित कर दिया, हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम इन सबसे हमेशा ऊपर रहे हैं, क्या जवाब देना है, क्या कर रहे हो, और रिजल्ट ने जवाब खुद ही दिया। तो बहुत बेहतरीन, आपका सपना है। तो आप का जो एक चीज़ मैं गा पे काम कर रहा था कि आई विल डू इट, ये शब्द बोले जाते हैं कॉन्फिडेंट वाले हैं, बट ये कॉन्फिडेंट को थोड़ा लूज करते हैं मेरी नज़र में। कभी भी कोई काम गा में होता है ना, आई विल डू, मैं करूँगा,
हमारा दिमाग कभी भी गा को एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारा दिमाग हमेशा प्रेजेंट में चलता है। हमारा दिमाग किस में काम करता है? प्रेजेंट में काम करता है। हमारा दिमाग जो है स्पेसिफिक पे काम करता है, अब प्रिसाइज पे काम करता है, उसको स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जैसे हमारे दिमाग को सिर्फ ये पता है IAS, वो जाके सबकॉन्शियस माइंड में लग गया। अब एक एक सिलेबस जो धीरे धीरे अंदर घुसाओगे सबकॉन्शियस माइंड में तो जाएगा। हमारे दिमाग को सिर्फ ये पता चलता है नेट, जब उसको बताओगे कि सिलेबस ये है, इसलिए मैं बोलता हूँ सिलेबस याद कर लो। एक्चुअली जब तुम सिलेबस याद कर लेते हो, जैसे मेरा सब सिलेबस याद था, तो एवरीथिंग विल बी एसिमिलेटेड। व्हाई? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करेगा, अरे इतना सिलेबस है तो ये याद हो गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनके सर्च में लग जाता है। तो कभी भी आप विल में काम नहीं करेंगे, आप काम शुरू करना है। yes, ठीक है, स्टार्ट करना है। और ठीक है, आप सर्च करो, कोशिश करो। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपने सोचा है क्या करेंगे? अब मैं आपको ये बताऊं, स्टार्ट आज से ही करना है। क्या करना है? क्योंकि दिमाग को टुमोरो पसंद नहीं है। yes. जैसे कल की तारीख पसंद नहीं है दिमाग को। दिमाग को क्या पसंद है? बस आज ये लेक्चर जो शुरू है, ये बातें जो हो रही है, इसके बाद शुरू कर देना है काम, तो दिमाग काम पे लग जाएगा। तो आपने क्या सोचा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में? नेट के लिए क्या कोई कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? ऑप्शनल के लिए तो मैंने अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अभी मैं जस्ट स्किम कर रही हूँ सब्जेक्ट्स को। तो लेकिन हाँ, माइंड में दो सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो मैं अब इनमें डिसाइड करूंगी कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेंगी इनमें, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में। तो और परफॉर्मेंस मैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं फाइनली आपको बता पाऊंगी कि ऑप्शन में क्या रखूंगी। लेकिन ज़्यादातर अभी जितना भी मैंने प्रीवियस इंटरव्यू से सीखा, मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी, वो मेरे माइंड में था कि हाँ सोशियोलॉजी का सिलेबस शॉर्ट है ना, इट इजी कवर इन अ 6 month पीरियड। सो बट फिर साइकोलॉजी का थोड़ा वास्ट हो रहा है, तो मैं वो एनालिसिस करूंगी ऑन द बेस ऑफ माय परफॉर्मेंस। बिल्कुल, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सोशियोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड भी है। वो चीजें जो घटना आपके साथ डेली सुबह से शाम तक, आप परिवार से आए हो, परिवार समाजशास्त्र का विषय है, आप मम्मी पापा से डेली मिलते हो, आप स्कूल आते हो, ये समाजशास्त्र का विषय है। ठीक है, कंटेंट समाजशास्त्र का ही है ये सब। आप भाई से मिलते हो, ये सब समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। तो आप रिलेशनशिप में जाते हो, आप शादी में जाते हो हर 10-15 दिन में, आप नातेदार के यहाँ जाते हो, आप भारतीय संस्कृति को समझते हो, भारतीय आप एजुकेशन सिस्टम, ये सब समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सोशियोलॉजी से प्लस पॉइंट ये है कि ये एसे को बेहतरीन कवर करता है। yes, और साथ साथ में पहला पेपर और चौथा पेपर को कवर करता है जीएस के। yes, इसके साथ साथ सोशियोलॉजी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को काफ़ी कवर करता है, आंसर राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव होती है, आंसर राइटिंग स्किल और लॉजिक एंड साइंस का। मतलब इनडायरेक्टली सीसेट के पेपर को भी टच करता है ये, क्योंकि लॉजिक और साइंस सिखाया जाता है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी कोई पॉइंट याद करने वाला विषय नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती है, पर जितने भी थिंकर्स हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, यही सब चीज़ हम सीखते हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। और सोशियोलॉजी को तो मैं मानता हूँ सोशियोलॉजी इज अ टेक ऑफ सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? ऑनेस्टली अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो और नेट के लिए भी बेस्ट सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा कंपेयर, चूँकि जहाँ पे आप फंसे हुए हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में, थोड़ा मैं आपके लिए कंपेयर कर देता हूँ। अगर आप टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सोशियोलॉजी हर जगह है। तो जो चीज़ हर जगह है उसमें टीचर बनना आसान है, प्रोफेसर बनना आसान है। ठीक है, तो स्कोप के पॉइंट से सोशियोलॉजी बहुत वास्ट है। NGO में आपके काम आता है। ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए अलग से गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, सोशल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट होती है। वीमेन के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं सोसाइटी में, सोशियोलॉजी से आते हैं। चाइल्ड के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे चाइल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो सोशियोलॉजी से आते हैं। तो ये सारा इसका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो स्कॉलरशिप देती है, समाज कल्याण विभाग, सुना है? yes,
सोशियोलॉजी का ही है वो, सोशियोलॉजी का ही सब्जेक्ट है वो, समाज कल्याण, ये शब्द ही सोशियोलॉजी के हैं, MSW के, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क इज ए पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो बहुत अच्छा है, और नेट भी आप तैयारी करें। मैं आपको ये कहूँगा कि अभी फ़िलहाल जैसे इसमें बहुत सारी, आप जो है ना मीडियम के चक्कर में कभी भी नहीं रहें। मीडियम मतलब आपका जो भी रखना चाहें, अच्छी बात है, पर आप जो कॉन्सेप्ट है वो किसी मीडियम की मोहताज नहीं होती। जैसे मान लो टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे बहुत सारी वीडियो आपको सोशियोलॉजी की मिलेगी, इसमें पूरा सिलेबस ही हमने कवर कर रखा है हर चीज़ का, नेट का, USPCS, मोर और लेस। तो आप उसको क्या करो, अभी धीरे धीरे एक कॉपी बना के उन पॉइंट्स को आप लिखो, और अभी से आप BA पे फोकस ना करके IAS और नेट पे फोकस करो। BA तो इंक्लूड है ना उसमें, ठीक है? तो सब एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है ना याद करने की कोशिश करो। बड़ी बड़ी किताबों के चक्कर में मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट को, जैसे सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, किनशिप क्या है, ठीक है, कल्चर, सोशलाइजेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के ब्रह्मचर्य, अवस्था, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल मोबिलिटी क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी अच्छी वीडियो है, इससे आप सुन के पॉइंट आप लिखने की अभी से कोशिश करें। वो आप नेट का बना लीजिए, और एक ना नेट के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें सॉल्व है, MCQ की एक अलग कॉपी बनाइए, उसको भी डेली आप सुनिए, समझिए। तो मैं समझता हूँ आपका काम अभी से, और इंतज़ार मत कीजिए कि ये क्लास में जाऊँगी या मान लो BA करूँगी तब तैयारी करूँगी। आप एक टारगेट बनाएं कि BA करते करते मुझे IAS, PCS और नेट की तैयारी कर लेनी है। कर लेनी है, नॉट द, ठीक है, गी, करनी है, मुझे करना है। आप कभी भी बात करिए प्रेजेंट में, ठीक है? तो और कोई सवाल है आपका? सर ऑप्शन को लेके था। हाँ पूछिए। ऑप्शनल में अभी तो सोशियोलॉजी भी ज्यादा कन्विंस हो गया कि हाँ ठीक है, शॉर्ट सब्जेक्ट है और हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। और बाकी तो सर ठीक है, अभी तो गो थ्रू कर ही रहे हैं। हाँ तो कोई भी अगर सवाल होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। और स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सर, स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा, मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा सोचू कि एक चीज़ होता है ना कि हमें हमेशा उन लोगों से पूछना चाहिए जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे टीचर्स, टीचर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। और मैंने ना, मतलब पहले जब मैं 11th 12th में थी, मैं हमेशा गलती करती थी कि ठीक है, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरा एक अच्छा परफॉर्मेंस था, मैं ऐसे मानती हूँ, तो मैं सोचती थी कि ठीक है खुद से पढ़ के हो जाएगा ऐसा वैसा। लेकिन अब मैं जो मैंने सीखा है वो यही सीखा है कि एक्सपीरियंस लोगों से एक बार पूछ लेना चाहिए कि हम इस बात में जाए कि नहीं जाए, जो ऑलरेडी उस बात में जा चुके हैं, उन्होंने कर चुका है वो चीज़। जैसे सर ने नेट क्वालिफाई कर चुका है तो अब नेट की गाइडेंस मुझे वो बेटर दे पाएंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जो कर ही नहीं पाए। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उजागर किया। देखिए जब आप गाइड चुनते हैं ना, तो आपको सबसे बड़े चुनाव का भी बहुत बड़ा रोल है, आप किसको चुनते हैं, समझ रहे हैं? तो टीचर के चुनाव में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, सही गाइडलाइन चुनने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग। मैंने कहा ना कि 100 लोग पढ़ा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं या 100 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो 100 तरीके से हो रहा है। तो आपको देखना है कि सबसे ऑथेंटिक, सबसे स्मार्ट तरीके से कौन काम कर रहा है, समझ आ रही बात? और उनके बैकग्राउंड को जानना है, उनके क्वालिफिकेशन को जानना है, उनके टैलेंट को आप समझो या नहीं समझो वो भी जानना है, पर उनके बैकग्राउंड को समझ के उन्होंने कितना काम किया है, किन किन लोगों ने उनसे क्वालिफाई किया, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें समझ के, क्योंकि टीचर कोई ख़राब नहीं होता, बस ये तो इसका फ़र्क आ जाता है। तो गाइड जब भी चुने तो इस बात का ख्याल रखें कि बेस्ट कौन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चुन रहे हैं, सब्जेक्ट तो कोई ख़राब है नहीं, उसी तरह टीचर के, गाइड के भी चुनाव में इस बात की सावधानी रखनी है। और आपको पता है, आपसे मैं ये कहूँगा कि इसमें सक्सेस सीरीज़ है प्लेलिस्ट में, और सक्सेस सीरीज़ है और साथ साथ में कैरियर काउंसलिंग है, वो तो मैं कहता हूँ हर विद्यार्थी को सुनना चाहिए। बेस्ट बेस्ट टीचर के कैरियर काउंसलिंग है उसमें, और सक्सेस सीरीज़ है बहुत सारे विद्यार्थियों के, ठीक है, अचीवर सीरीज़ भी है उसमें, तो उसको करिएगा आप, ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके सिमरन।
थैंक यू सर।